अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर को हम डिस्कस करने लगे हैं वो है अनब्रांडेड रिटेल स्टोर्स ये वो रिटेल स्टोर्स हैं विच आर सेलिंग ब्रांड और प्रोडक्ट्स जो कि अनब्रांडेड कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं विच बी सेलिंग गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द एंड कंज्यूमर एंड दीज प्रोडक्ट्स आर नॉर्मली अनब्रांडेड दो तरह की कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं अनब्रांडेड रिटेल स्टोर के हवाले से फ़ूड अनब्रांडेड रिटेल स्टोर्स और नॉन फूड अनब्रांडेड रिटेल स्टोर्स फ़ूड रिटेल स्टोर्स वो हैं जो कि अनब्रेंडेड प्रोडक्ट्स जो कि फ़ूड कैटेगरीज के अंदर है वो सेल करते हैं टू एंड कंज्यूमर इसी तरीके से अगर हम नॉन फूड कैटेगरी के हवाले से बात करें तो वो तमाम रिटेलर जो कि अनब्रांडेड रिटेल अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं विच आर नॉन फूड प्रोडक्ट्स टू एंड कंज्यूमर वो कहलाएंगे अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नॉन फूड रिटेलर इसी तरीके से जो अनब्रांडेड रिटेल स्टोर्स हैं ये दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं सिंगल स्टोर्स और चेन स्टोर्स यानी कि मल्टीपल स्टोर्स जब हम सिंगल अनब्रांडेड रिटेल स्टोर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्पेशली और एशियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारे सिंगल रिटेल आउटलेट्स नजर आएंगे क्योंकि नॉर्मली अनब्रांडेड गुड्स की कैटेगरी के अंदर देर आर सिंगल ऑनर्स विच आर सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर हैविंग देयर सिंगल आउटलेट अवेलेबल जब हम चेन रिटेल आउटलेट की बात करें तो यस अनब्रांडेड कैटेगरीज के अंदर कुछ ऐसे स्टोर्स भी है, जो जो हैं जो कि एक प्रॉपर मल्टीपल चेन के थ्रू जो कि एक चेन स्टोर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को टू एंड कंज्यूमर नॉर्मली अगर हम बात करें तो जब हम इस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करें यानी कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करें तो ज़्यादातर दो तरह के सेगमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइज सेगमेंट भी और अनऑर्गेनाइज्ड भी लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज़्यादातर अगर हम अनब्रांडेड सेगमेंट की बात करें अनब्रांडेड गुड्स की बात करें अनब्रांडेड रिटेलर्स की बात करें तो ये ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट करें हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो अभी हम एक मिनट के अंदर आपके साथ डिस्कस करते हैं जो कि आपको हेल्प करेगी समझने में कि एक्चुअली अनब्रांडेड गुड्स कैटेगरी कौन सी कैटेगरीज हैं हमारे पास हैं और कौन से ऐसे रिटेलर हैं जो कि अनऑर्गनाइज तरीके से काम कर रहे हैं ऑल दो देर आर सम रिटेलर्स जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से भी काम कर रहे हैं ज़्यादातर वो तमाम रिटेलर्स जो कि इस प्रोडक्ट पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं जो कि चेन स्टोर के अंदर है नॉर्मली दे आर ऑर्गेनाइज और जो सिंगल स्टोर्स के अंदर काम कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं ज़्यादातर ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो अनब्रांडिड रिटेल स्टोर्स हैं वो लोकली एग्जस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर बेशक वो पाकिस्तान की एग्जांपल हो या बेशक वो दुनिया के किसी और मुल्क की एग्जांपल हो जब अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की बात आती है तो so नॉर्मली वो उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग उस पर्टिकुलर कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर कंपनी का कंट्री का रिटेलर ही होता है जो कि प्रोडक्ट्स और सर्विसज को सेल कर रहा होता है टू एंड कंज्यूमर लेकिन देर आर लॉट ऑफ एग्ज़ाम्पल्स जो कि ग्रो कर रही हैं जिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स ऑल्सो यानी कि इंटरनेशनल स्टोर जो कि अनब्रांडेड प्रोडर कैटेगरीज के अंदर भी डील कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐसी थोड़ी एग्जाम्पल्स नजर आएंगी लेकिन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको इसकी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स नज़र आएंगी मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स इसकी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ सबसे पहली एग्जाम्पल आपको एक बुक सेलर की नज़र आ रही है अब ये एक बुक सेलर जो है ये एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट कैटेगरीज को सेल कर रहा है जिस तरीके से हमने पहले डिस्कस किया कि नॉर्मली इस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज जो है प्रॉपर ब्रांडेड तरीके से काम नहीं कर रहे तो ये अनब्रांडेड है दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास नीचे आपको नज़र आएगी एक कन्वीनियंस स्टोर की ये वो स्टोर है जो कि नॉर्मली ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है टू द एंड कंज्यूमर लूज प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है लूज पल्सेस को लूज राइस को रोज स्पाइसिस को तो इस तरह के तमाम प्रोडक्ट्स बेशक वो शुगर है बेशक वो राइस है और इट कैन बी एनी अदर प्रोडक्ट जो के सेल की जा रही है टू एंड कंज्यूमर इसी तरीके से मेरे पास दो एग्जांपल्स और हैं आपको सबसे पहले ऊपर एग्जांपल नज़र आ रही है एक फ्रूट सेलर की सो नॉट नेली इट इज़ ओनली द फ्रूट सेलर ये एक फ़्रूट सेलर भी हो सकता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप अगर एक मिनट के लिए सोचें अगर थोड़ी देर के लिए सोचें तो आपको वेजिटेबल सेलर भी नज़र आएगा आपको मीट सेलर भी नज़र आएगा आपको फ़िश सेलर भी नज़र आएगा इसी तरीके से एग्ज़ाम्पल नीचे क्लोदिंग एक रिटेलर की है ये वो शख्स है जो कि या ये वो ऑर्गेनाइजेशन है या ये वो इदारा है जो कि एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है लेकिन ऑफ कोर्स अनब्रेडिड कैटेगरीज है यू कैन सी ऑन द एग्जांपल आल्सो और इस तरह की बे इतहा एग्जाम्पल्स हमारे पास बेशक वो शूज़ कैटेगरी के अंदर ले लें बेशक वो क्लोदिंग कैटेगरी के अंदर ले लें बेशक वो टेक्सटाइल की कैटेगरी के अंदर ले लें बेशक वो और भी किसी तरह की एग्जाम्पल ले लें ले जो कि अनब्रांडेड रिटेल आउटलेट्स हैं ये वो स्टोर्स हैं जो कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को जिस तरीके से अगर इफ़ यू वॉन्ट टू बाई अस्सा तो दैट खुस्सा विल अवेलेबल और एन अनब्रांडेड रिटेल आउटलेट इफ़ यू वॉन्ट टू बाई लेट से चप्पल इट विल भी नॉर्मली अवेलेबल ऑन दी अनब्रांडेड प्रोडक्ट कैटेगरीज़ ये बात हमेशा जहन में रखें कि देर आर सम प्रोडक्ट कैटेगरीज जो कि नॉर्मली एसोसिएटेड होती हैं अनब्रांडेड प्रोडक्ट अनब्रांडेड रिटेल स्टोर्स के हवाले से और मेजॉरिटी ऑफ द कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि आपको अनब्रांडेड रिटेल स्टोर्स के ऊपर भी नज़र आएंगी और ब्रांडेड रिटेल स्टोर के ऊपर भी नज़र आएंगी तो जब भी आप रिव्यू करें किसी अनब्रांडेड रिटेल स्टोर को फ़ॉरन एग्ज़ाम्पल्स अपने सामने लेके आए जो हमने डिस्कस किए हैं और इसके अलावा और एग्जाम्पल्स ये आपको हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने में कि एक पर्टिकुलर स्टोर क्या ब्रांडेड रिटेल स्टोर की कैटेगरी के ऊपर पूरा उतरता है या वो एक अनब्रांडेड रिटेल स्टोर की कैटेगरी के ऊपर पूरा उतरता है